अभी अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता था। उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी आरबीआई को मार्च में उसको एक एंटरिम डिविडेंड देना पड़ता था, क्योंकि आरबीआई की क्लोजिंग तो होगी 30 जून को, लेकिन गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, या गवर्नमेंट के जितने भी पीएसयू हैं, गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं, उससे होने वाला जो डिविडेंड रिसीव जो होता था वो बाद में होता था आरबीआई से। आरबीआई उसके लिए क्या करता था, एंटरिम देता था, यानी फाइनल फिगर नहीं आ पाती थी। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो 30 जून 2020 को आरबीआई का फाइनेंशियल खत्म हो रहा है वो तो वहीं खत्म होगा, लेकिन अगला जो शुरू होगा 1 जुलाई 2020 से उसकी एंडिंग डेट होगी 31 मार्च ऑफ 2021 यानी 2021। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 2021 यानी 1 अप्रैल 2021 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, और जो एंड होगा वो 31 मार्च ऑफ 2022 यानी 2022 को एंड होगा। ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा सकता है।